सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज का जो गेम होने वाला है वो होने वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन क्वार्ट्जल। ये गेम मल्टीप्लेयर होने वाला है, आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा मेगा एवोल्यूशन, जी मूव, जेन 1-8 एंड मच मोर। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो मैं इस गेम को स्टार्ट करता हूँ अपना नाम रख के, और इस बारी मैं अपना नाम रखता हूँ लाइक गेम के अंदर, क्योंकि अब मेरे को चाहिए यार मेरे वीडियो को बंदे लाइक करें। सो ये गेम अपनी क्या बोलते हैं नॉर्मल एमरल्ड के ऊपर बेस्ड है, पर इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिल जाएगा। आपको इसके अंदर मल्टीप्लेयर देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर न्यू रीजन देखने को मिल जाएंगे, न्यू मेगा एवोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे और बहुत कुछ। तो एज़ यूजुअल यार, एक तो मेरे को समझ नहीं आता छोटे से बच्चे को ये इतने सारे सामान के साथ क्यों ट्रक के अंदर भर के लेके आते, भाई आगे नहीं बैठ सकते थे। तो उसे साइड करके पहले ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने अभी तक मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन, अगर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आपने ज्वाइन करा है तो ठीक है, वरना मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। और हाँ गाइस, मैं अब 100 आवर्स की वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर मेरा काम चल ही रहा है, और वो वीडियो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि यार उस पर मेहनत बहुत चल रही है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो यहाँ पे मेरे को वही अपना गेम का बेसिक बताते हैं कि तुम अपने पोकेमॉन को 4 मूव सिखा सकते हो, मेगा इवॉल्व कर सकते हो, और जैसे जैसे पोकेमॉन का लेवल अप होगा वैसे वैसे तुम अपने पोकेमॉन का इवोल्यूशन कर सकते हो। तो ये बेसिक सिखाते। तो मैं यहाँ पे बाहर आता तो मेरे को ये लड़के बोलते हैं कि बिना पोकेमॉन के बाहर जाना बेकार है, तो मैं यहाँ पे इस वाले घर में घुसता हूँ। तो ये होता है मे का घर, तो प्रोफेसर बर्च का घर होता है, यहाँ पे दो ही घर है पता नहीं क्यों पर। तो मैं इस वाले कमरे में आता तो मैं इस पोकेबॉल के पास रहता हूँ, यहाँ पे आ जाती है मे। सो यहाँ पे मे से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं अपना क्या बोलते हैं यहाँ की तरफ आता हूँ, तो पोकेबॉल को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं मे के पास जाता हूँ, बट यहाँ पे कुछ होता नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस आ रहता हूँ। तो यहाँ से जब मैं लिटिल लोड टाउन से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे ये लड़की होती है बच्ची, ये कहती है वहाँ पे देखो वहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं प्रोफेसर बर्च के पीछे यहाँ पे भाग रहा है एक ज़िगज़ागून, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वो अपना स्टार्टर चूज़ करने के लिए, बट यहाँ पे मैं किसी भी रीजन का चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ कालोस रीजन का फ्रॉकी, जो आगे जाके मेगा इवॉल्व होके ग्रे क्या बोलते हैं इवोल्यूशन करके ग्रे निंजा बनेगा, बट ये फ्रॉकी यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो अपना नॉर्मली फ्रॉकी है वो भी बहुत सही काम करता है, वाटर टाइप है और अच्छा पोकेमॉन है काफ़ी। तो यहाँ पे प्रोफेसर बर्च को मैं ज़िगज़ागून से बचा लेता हूँ, उसके बाद प्रोफेसर बर्च मेरे को अपनी लैब में लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि जाओ और मेरे को फ्रॉके देते हैं, और यहाँ पे मैं अपने फ्रॉके का नाम रखता हूँ सब्सक्राइब। तो गाइस अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन का नाम सब्सक्राइब रख लेता हूँ, और उसके बाद मेरा काम है यहाँ पे मे को वापस लेके आना लैब के अंदर को, कि प्रोफेसर बर्च को मे को कुछ सामान देना है और वही पोकेडेक्स वगैरह पोकेबॉल्स वगैरह देगा, और इसको काम ही क्या है। उसके बाद मैं आ रहा तो इस तरफ, और यहाँ पे ये अच्छा है कि यहाँ पे पोकेमॉन पहले से दिख जाते हैं कि यहाँ पे क्या पोकेमॉन्स है। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे आता तो मेरे को मे मिलती है, और यहाँ पे मेरी मे से होती है थोड़ी अच्छी वाली फाइटिंग, मेरा राइवल बैटल है इस वाली गेम का पहला। तो यहाँ पे मे के पास होते 3 पोकेमॉन और मेरे पास होता 1 पोकेमॉन, तो मे के बल्बासोर को तो मैं 3 हिट कर देता हूँ। यहाँ पे पहला बबल, दूसरा बबल, और उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट बबल मार के से 3 हिट कर देता हूँ, बट यहाँ पे एक छोटा सा सीन हो जाएगा अभी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वर्टल आता है, इसकी स्क्वर्टल को मैं बहुत ईजिली मार देता हूँ, 1 हिट यहाँ पे मारा मैंने स्क्वर्टल को, दूसरा हिट, और उसके बाद तीसरे हिट के अंदर स्क्वाडल खत्म। अब आएगा इसका चार्मेंडर, बट यहाँ पे हो जाता है सीन, तो यहाँ पे टॉर्चिक भेजती है, मेरे को ये नहीं पता कांटो के अगर तुम्हें स्टार्टस देने ही थे तो चार्मेंडर ही भेजते ना, क्या दिक्कत थी। सो यहाँ पे मैं मे को लेके वापस आता हूँ, मे को लेके मैं क्या वापस आता हूँ, मे के पीछे मेरे को जाना पड़ता है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं सीधा लैब के अंदर घुस जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अब मेरे को मिलेगा एक पोकेडेक्स और मेरे को मिलेगी कुछ पोकेबॉल्स पोकेमॉन पकड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं अपने स्टार्टिंग पोकेमॉन्स पकड़ूंगा इस गेम के अंदर, और देखना आपको ये गेम देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करा तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर यार ज्वाइन जरूर कर लो। और हाँ गाइस, यहाँ पे मेरे को अपनी पोकेडेक्स और पोकेबॉल्स मिल चुके हैं, और अब मेरा काम है पोकेमॉन पकड़ने का। सो यहाँ पे मैं अपने फ्रॉकी को पीछे लेके मैं निकल जाता हूँ रास्ते पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को एक अच्छा पोकेमॉन मिले, तो यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन स्पॉन नहीं हो रहा होता, तो मैं यहाँ पे सीधा आ रहा हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं फ्रॉकी को हील करवाता हूँ, और उसके बाद आगे की तरफ निकलता हूँ। और आगे की तरफ जाता तो मेरे को यहाँ पे रॉकेटी वगैरह और बहुत सारे निटकिट वगैरह देखने को मिलते हैं, बट मेरे को यहाँ पे एक शाइनेक्स मिलता है और मैं शाइनेक्स को पकड़ देता हूँ, क्योंकि शाइनेक्स इवोल्यूशन उसका बहुत अच्छा है, और मेरे को यार इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं शाइनेक्स का नाम रखता हूँ शेयर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मैं फिर से पोकेमॉन सेंटर आ जाता हूँ, और यहाँ पे अपने शाइनेक्स को भी हील करवा लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को आगे जाना है। और यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ अच्छा पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता,
तो यहाँ पे आता तो मेरी सवाले बंदे से होती है एक छोटा सा फाइट और इसके पोकेमोन को मैं बहुत बुरी तरीके से मारता हूँ। सो यहाँ पे कैलविन अपना ज़िगज़ैगून भेजता है और यहाँ पे मैं अपने लेवल 5 का लेवल 6 का फ्रॉकी भेजता हूँ। यहाँ पे सीधा बबल मारता हूँ इसके मुंह पे और उसके बाद एक और बबल मारता हूँ इसके मुंह पे और यहाँ पे मैं अपना पहला नॉर्मल वाला बैटल जीत चुका हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये बैटल देखने में मजा आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बट यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो यहाँ पे मैं इन वाली बुशेस के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखती है एक राल्स बट मैं इस वाली राल्स को नहीं पकड़ पाता क्योंकि ये वन शॉट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इन वाले बुशेस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आता तो मेरे को एक और राल्स मिलती है और इस वाली राल्स को मैं पकड़ने का फुल ट्राई करूँगा और इसे यहाँ पे मैं पकड़ भी लेता हूँ इजीली। सो यहाँ पे इस वाली राल्स को मैंने एक पाउंड मारा, उसकी एचपी बहुत ज़्यादा चली जाती है और उसके बाद मैं एक पोकेबॉल मार के इसे इजीली कैप्चर कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना तीसरा पोकेमॉन फाइनली पकड़ लिया और इसका नाम रखता हूँ मैं कमेंट। सो गाइस अब इसका नाम मैंने कमेंट रखा, तो आप समझ चुके आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करो कि नेक्स्ट पोकेमॉन मैं कौन सा कैच करूँ। सो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ अपना पोकेमॉन सेंटर की तरफ क्योंकि मेरे को इस वाले पोकेमॉन को भी हील करवाना है। सो यहाँ पे मैं इसे पहले राल्स को भी हील करवाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं पता नहीं दोबारा क्यों चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देता हूँ। रूट 192 पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले बुशेस के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारे पोकेमॉन मेरे को दिखते हैं और गलती से मेरा क्रबून से एनकाउंटर हो भी जाता है अगर मैं ग्रुबिन नाम मैंने गलत लिया था और यहाँ से मैं सेफली निकल जाता हूँ। सो यहाँ पे आता हूँ और मेरे को ये वाली बेरीज मिलती है तो ऑरेंज बेरी ले लेता हूँ मैं और यहाँ पे से ये दूसरा वाला पेड़ होता है यहाँ पे चेस्टो बेरी चीटोस वाली बेरी दोबारा से ले लेता हूँ बट मैं यहाँ पे पता नहीं दोबारा क्यों कूद जाता हूँ, क्या ही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ तो ये वाले बंदे से मेरी फाइट होती है और इस वाले बंदे से मेरी बहुत सी फाइट चलती है क्योंकि इसके पास होता है पैटर, इसके पैटर को तो मैं टू शॉट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये अपना पेड ऑफ भेजता है और इसके पेड ऑफ को मैं ईजिली मार देता हूँ। सो यहाँ पे अपना पोकेमॉन भेजता है और यहाँ पे भेजता है पेड ऑफ और इसके पेड ऑफ को मैं बबल से वन शॉट कर देता हूँ। यहाँ पे अपना मैं सेकेंड बैटल भी जीत चुका हूँ बहुत ईजिली। यार ये तो अब जीवी गेम्स तो मेरे लिए मजाक हो गया खेलना, कोई दिक्कत नहीं पड़ती अब मेरे को। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस वाले रूट की तरफ और इस वाले रूट पे आने मेरे को बहुत सारे बढ़िया पोकेमॉन दिखते हैं बट मैं कोई पोकेमॉन कैच नहीं करता। तो अब मैं आ चुका हूँ पेटलबर्ग सिटी के अंदर। सो पेटलबर्ग सिटी के अंदर आने के सबसे पहले मैं जो घर वगैरह होते हैं वो चेक करता हूँ सारे। तो यहाँ पे एक घर में आंटी जी होती है कुछ भी अपना बकवास कर रही होती है, बकवास कह रहा हूँ मैं कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ अपना सीधा पोकेमार्ट के अंदर क्योंकि पोकेमार्ट के अंदर मेरे को जिम बैटल से पीछे पहले अपने लिए बहुत सारे पोशन खरीदने होते हैं और यहाँ पे मेरे पे 10,000 पता नहीं कहाँ से आ गए डॉलर। तो यहाँ पे मैं अपने लिए 10 पोशन खरीदता हूँ और उसके बाद एक पॉकेट ऑल खरीदने की सोचता हूँ बट मैं वो खरीदता नहीं हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और अब मैं सीधा जाऊँगा अपने क्या बोलते हैं इस वाले बंदे पे आता हूँ तो ये मेरे को सीधा लेके जाएगा, पोकेमॉन ट्रेनर है तो ये मेरे को सीधा लेके जाएगा जिम के अंदर। तो यहाँ पे मैं अब सीधा अपना जिम के बैटल स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे जिम लीडर से मेरी बात वगैरह हो रही होती है। इतने में जिम लीडर का एक मतलब कोई होता है बंदा वो आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे को बेबी सिटिंग के लिए दे देता है। मेरे को इस वाले जो वेली बंदा है उसे पोकेमॉन पकड़ना सिखाना होता है, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पे ये मतलब अपने गेम अपने आप ही चल रही है सारी, मैं बस इसे टिप्स ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है और उसके वजह से दिखती है एक राल्स, तो ये राल्स के ऊपर क्या बोलते हैं फरफैच भेजता है, यहाँ पे फॉल स्वीप मारता है और उसकी राल्स की बहुत ज़्यादा एचपी चली जाती है। और उसके बाद मैं एक और बारी क्या बोलते हैं फॉल स्वीप मारता हूँ और उसके बाद इसकी एचपी बहुत जाती है। और यहाँ पे अब मैं सीधा अपने पोकेबॉल के अंदर इसे कैच कर लूँगा। तो यहाँ पे हमने फरफैच को वापस बुलाते हैं बंदा, उसके बाद ये पोकेबॉल मारेगा एक इसके मुँह पर खिंचा के और उसके बाद यहाँ पे इसका पोकेमॉन पकड़ना मैंने इसे सिखा दिया है। सो अब मेरा ये वाला मिशन पूरा हो गया और अब मैं रहूँगा अपने बैटल की तरफ बट वहाँ पे मेरा बैटल होता नहीं है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा सीन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस अब मेरे को सीधे जाना है रॉकसेन सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जिम लीडर से बैटल होगा मेरा। तो अब मिलते हैं गाइस सीधे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।